आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं। सौ आरती पुष्पदंत इंगड़े कोतली निवासी, इन्होंने आज के दिन छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। आरती पुष्पदंत इंगड़े कोतली जिला कोल्हापुर, शैलेश जैन। शैलेश जैन गोरखकर, धर्मचंद जी जैन, इन्होंने भी आज 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। विपिन कुमार मधुर जी जैन खुद ठाणे निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के शास्त्र दान करेंगे। चंद्र कुमार नरेश कुमार बाकलीवाल दुर्ग निवासी, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। सुवर्ण दान दिया है। आज के दिन यहाँ आचार्य भगवान जी के चरणों में अपने अपने गांव में विहार हो जाए, ये भावना लेकर अनेक गांव के लोग आए। वाशिम के एक प्रतिनिधि केवल आएंगे, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रह करके वहीं से निवेदन करेंगे। एक प्रतिनिधि केवल समाज के एक ही अध्यक्ष आएंगे। उसके बाद डोंगरगढ़ से भी समाज आइए, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और बाकी के अपने अपने स्थान पर से यहाँ नमस्तु करेंगे। डोंगरगढ़ आगरा से भी समाज आई, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रह करके नमस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कोपरगांव से भी समाज आई, कोपरगांव भी एक व्यक्ति आएंगे, कोपरगांव की भी एक व्यक्ति आएंगे, बाकी के लोग अपने अपने स्थान से खड़े कर नमस्तु करेंगे। जिनवानी चैनल की भी टीम आई है, सागर जैन, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य श्री जी की चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर क्षणिया बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई है जय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामुनिंद्र अत्र उत्तर सौष्टि आह्वाननम अत्र तिष्ठति तटस्थापनम अत्र सन्निधोष्ठस्थापनम सनदीकरणम। विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भर माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। पालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम परम पूज्य संतोष रमणीय आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ।
ओम रूम परम पूज्य संतोष रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संतोष रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मगन विजेता बन न सके, ऐसा अलबस्त रहा। चारों गतियों के ठोकर को पाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता वेष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्थ पद पा जाऊँ, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संतोष रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरोपामिति स्वाहा। बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द गरो अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रूम परम पूज्य संतोष रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। टीकमगढ़ से राजा कारी जी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए जल्दी आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवदेवः, ओम नमः शिवदेवः, ओम नमः शिवदेवः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जयलो परम पूज्य संतोष रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। शरीर के साथ आत्मा का ऐसा गठबंधन हुआ है जिसको हम बाहरी किसी पदार्थ से भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। अग्नि के द्वारा इसको तपा भी दे, ऊपर का शरीर जिसको नो कर्म बोलते वो जल जाएगा। कई बार आप लोगों ने जलाया भी है, किंतु भीतरी जो कार्मण शरीर है और उसके साथ भिन्न भिन्न शरीरों का बंध होता है, इसकी प्रक्रिया कहीं भी चले जाए, चाहे जल में चले जाए, चाहे पृथ्वी के भीतर पहुंच जाए, स्वर्गों में कहीं चले जाए,
कहीं भी चले जाए यह प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं। जैसे घड़ी यदि चालू है, कुछ अपवाद को छोड़ करके कहीं भी रखो वह चलती रहती है। चाबी अथवा सेल्स उसके लिए चाहिए। आप सो जाते हैं या और कोई चिंता में होते हैं, या तो आप और सोचते रहते हैं, फिर भी नाड़ी का फड़कन आपका चलता ही रहता है। इसलिए कोई भी आकर के रोकता नहीं, रोकने से रोकता नहीं। इन सब बातों से ऐसा ज्ञात होता है, हो तो गई ये गलती, अजीब के साथ संयोग तो दुख मनेक भेदम। संयोग हुआ तो यह शरीर का निर्माण हुआ, राग द्वेष हुए, ऊपर से रसायन की प्रक्रिया चालू हो गई, नीचे आग लगाए जाता है और भगोने में रखा हुआ पानी तप जाता है और उसके भीतर मूंग और चावल है वो भी तप करके इधर पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है और शेष जो पानी है वह चावल और मूंग के भीतर घुस करके ऐसा रूप होता है आपकी जठराग्नि को शांत करने में कारण बन जाता है। ये प्रक्रिया आप देखिए, ये वैचित्र क्या है। बाहरी जो कुछ भी हो रहा है वह औपचारिक भी नहीं है, यह परमार्थ तत्वभूत है। संतों ने इस रहस्य को समझा और इन दोनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया भी हमारे सामने लिख करके सर्वज्ञ देव के साथ संबंध रख करके बताया है। अब इसके ऊपर विश्वास करना है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला वह मुमुक्षु इसको अलग अलग भेद विज्ञान के माध्यम से सिद्धांत तो करता है, लेकिन वह भी एक साथ इसको समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी ध्यान की अग्नि चलाओ जिसके द्वारा यह रसायन फेल हो जाए, और कुछ भी नहीं। ये हो सकता है क्या? इसके बारे में संदेह न करो। अनंतों बार मिला और बिछुड़ गया, एक बार एक प्रयोग करके विश्वास के साथ देखो। अनंत काल के लिए जैसे पाषाण में वह स्वर्ण मिला हुआ है, रसायन के पद्धति से पाषाण भिन्न हो जाता है और सोना भिन्न हो जाता है और गले का हार बन जाता है। तीन लोग के नाथ बने उन लोगों ने प्रक्रिया से गुजरे और आज वे अविनश्वर सुख का अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग इस शरीर के जेल के कारण अनेक प्रकार के मोह माया लोभ क्रोध आदि करते जा रहे हैं। ज्ञानी वही है इस सब कुछ संसार में रहते हुए वह पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया है उसके लिए कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है, वो संभव सब कुछ हो करके रहेगा। इसके लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है।
रुपए पैसा भवन आदि आदि के लिए आप लोग जुट जाते हो, क्षणिक सुख आपको मिल जाता है। अब यदि चाहते हो इस शरीरातीत आत्म तत्व मैं हूँ इसको स्थिर कर दो, आपको कोई कुछ भी नहीं करने वाला। भीमसेन को देख करके सारी जनता हिलती थी, नहीं समझे, किंतु धर्मनाथ को देख करके भीमसेन हिलते थे। हाँ, हिलते थे। वह एकमात्र अंगूठा हिला दे भीमू का ज्वर अपने आप ही शांत हो जाता। आप लोगों के भीतर वह आत्म तत्व है, उसको एक बार आत्मसात कर लो, आपका बेड़ा पार है। अहिंसा परमो धर्म।